नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और राउंड टू यहां पर चालू हो चुका है हमारी क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, खत्म होने के करीब है। सिर्फ दो मैचेस यहां पे बाकी हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, जिनमें आज का मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गोवाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में। एक है टीम यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की, दूसरी है कैरिबियन प्रीमियर लीग की, और दोनों टीमों के लिए यहाँ पे मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। राजीव गांधी स्टेडियम से हम लोग खेलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड पिच मीडियम यहाँ पर है और बारिश की कोई संभावना नहीं लग रही है। टूर्नामेंट भले यहाँ पे बहुत लंबा है उसमें कोई शक नहीं है कहने में, लेकिन सिर्फ 16 में से चार टीमों को जब जगह मिलने वाली है तो आपके लिए एक एक मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। एक एक मैच यहाँ पर अगर आप हारते भी हैं और कहीं बड़े अंतर से हारते हैं तो हो सकता है कि आप बाहर हो जाएं टूर्नामेंट से। कप्तान डेविड वार्नर, वहाँ दूसरी तरफ शोएब मलिक, और टॉस के लिए आएंगे जल्दी दोनों। टॉस के लिए बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं हर बार ये बात मानता हूँ कि अगर आप पहली इनिंग में लीड ले लेते हो तो आप आधा काम वहीं पर ख़त्म हो गया, आधा नहीं, आधे से ज़्यादा ही। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता है। क्या करूँ, बॉलिंग ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं एक तरीके का, बैटिंग लेना ज़्यादा बेहतर होता है। गेंदबाजी के साथ गए, यहाँ पर पहली गेंद बाउंस रखी है, पीट कराया नहीं, डॉट टॉच किया है, गेंद को लीव किया है। आखिरी गेंद के एक्सपेरिमेंट के लिए साइड चेंज किया है, उछली गेंद जरूर है लेकिन काफ़ी दूर, यहाँ पर मैडन ओवर जाता हुआ भुवनेश्वर का। चंद्रपाल हेमराज 22 रन बनाए थे पिछले मैच में, जो कि अच्छी बात है, नॉट आउट। जब आपके पास रशीद खान जैसा गेंदबाज है तो उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। स्पिनर को बुलाया गया है। अगली गेंद यहाँ पर फुल लेंथ फिर से रखी है एक बार, कोई रन नहीं, दो रन इस ओवर से आते हुए। गेंद स्लोअर बाउंसर, बीट कराया है यहाँ पे पहली बार इस ओवर में। हेमराज के खिलाफ अभी ओवर द विकेट कर रहे हैं और बैट एंड पैड हुआ है, अब अनफॉर्चुनेटली बैट एंड पैड है ये, नॉट आउट एम्पायर के द्वारा। पर कुछ खास रही नहीं थी रशीद खान की, लेकिन इस बार पहली गेंद पर बीट, और अगर आपको बड़ी लीड मिल गई तो बहुत काम हो जाएगा आपका मैच का आसान। पहली गेंद जहाँ तेज थी यहाँ पे स्लो रखी है और बीट भी कराया है यहाँ पर, गुड लेंथ पे रखी है गेंद, स्लोवर है, पोजीशन पे पहले आ गए थे, प्लेयर से थोड़ा सा दूर, मौके अब मैं इनको नहीं कहूँगा मौका, लेकिन फिर भी अपनी गेंद है, फुल लेंथ के साथ जा रहे हैं, एज लेके गई जरूर है लेकिन सिंगल के लिए, दो चुरा लिया है हमारी खराब फील्डिंग के कारण। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के लिए अभी ये राउंड द विकेट ही आ रहा है स्टंप के, और कितना नजदीक से गुजरे, यहाँ पर स्लोअर गेंद के साथ किनारा, थोड़ा सा किनारा लगा जहाँ खेलना चाहते थे वहां नहीं गई है गेंद, ये तो यार दो रन ले रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं फील्डर यहाँ पे, दूसरी बार ऐसा हुआ है यहाँ पर कि भुवनेश्वर के ओवर में दो रन निकाल लिए एक की जगह। स्लोअर गुड लेंथ पे की गेंद है ये, और यहाँ पे अफसोस, एज लगी लेकिन पहुंच नहीं पाई है कीपर तक, सेम मेरे भी हालत यही एक्सप्रेशन इस बार, लेकिन लेग स्टंप पे लेग ब्रेक रखी है, बड़ा शॉट लगता हुआ, प्लेयर को यहाँ पे चेज करना होगा, कैन विलियमसन यहाँ पे दिख सकते हैं आपको चेज करते हुए, दो रन चुराए हैं यहाँ पर। टॉप स्पिन फ्लाइट बहुत कराएंगे गेंद को, लीव किया है लेकिन, नए ओवर की शुरुआत बाउंसर के साथ, बीट होते हुए शॉर्ट पिच बाउंसर बीट हुए हैं, कितने मौके मिलेंगे मत, विकेट की उम्मीद में अगले ओवर की शुरुआत, लेकिन मैच का पहला बाउंड्री लगने वाला है यहाँ पे, 10 ओवर लगे, एग्जैक्ट 10 ओवर लगे, 10 ओवर के बाद लगा है पहला बाउंड्री, बल्लेबाज काफी खुश, चौक में भी कम बन रहे हैं अब, विकेट नहीं आ रही, यहाँ पे देखिए किस्मत देखिए, फिर बच गए, विकेट निकालनी होगी यहाँ पर, बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस बात का, दो रन चुराए यहाँ पर बड़े शॉट के साथ, बाउंड्री नहीं गई क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। एकदम से लग रहा है कि स्पिनर एकदम से असरकारक रह ही नहीं रहे अब, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा उनकी गेंदबाजी में, ओवर पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। स्लोवर स्टैंडर्ड गेंद,
एज फिर से लगी है, अब क्या करें हम लोग, यही नहीं समझ में आ रहा, बार बार मौके बन, फुल लेंथ गेंद, एज लगने का चांस है, लेकिन नहीं, इस बार बड़ा शॉट, प्लेयर चाह कर भी रोक नहीं पाएगा, और दूसरी बाउंड्री लगती हुई, दोनों के दोनों शॉट शायद तक यहाँ पर लगाए जो हैं वो हेमराज ने लगाए, यहाँ पर फिर से पैरों पर लगी है गेंद, कह सकते हैं आप कि ये आखिरी ओवर होगा स्पिनर का अगर विकेट नहीं लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पर पहली गेंद चौक, स्लोवर यॉर्कर की कोशिश, पैरों पे जाके लगी है, स्पिनर का एक्स्ट्रा ओवर मिल चुका है, देखते हैं क्यों क्या डिजर्व करते थे ये ओवर, बाउंड्री के पार नहीं जा पाएगी, लेकिन तीन देखिए प्लेयर थक गए हैं, अजीब सी थकान दिखी इनके रनिंग में, आपने देखा अंत में जब तक गेंद नजदीक, इस बार दूसरी गेंद में यॉर्कर डाली है, किनारा लगा है बल्ले का, बैट पे लगी है, रोक नहीं पाए हैं बल्ले फील्डर, इस बार नॉर्मल स्पीड से डाली है वही गेंद, कैच का मौका है, कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, अबे कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, कंट्रोलर की ये क्या है, क्या पनौती लेके बैठे हैं हम लोग, कंट्रोलर ने एकदम से, अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था मेरे साथ कि कैच ड्रॉप हो, सिद्धार्थ कॉल को बुलाया गया गेंदबाजी में, मीडियम पेसर को अचानक से कीपर की पोजीशन में चेंज देखने को मिला है, यहाँ पे आगे बुलाया गया कीपर को, ओवर की मदद लिए यहाँ पर, शॉट बहुत ही बढ़िया गैप में, प्लेयर चेज करेगा साथ, दो भी चुरा सकते हैं जी, नहीं सिंगल से खुश है यहाँ पे, 46 हो गए रन, आखिरी गेंद, और किस्मत देखिए हमें इतना इंतजार कराया, हम 20 ओवर के बाद ऑटो प्ले करते ही हैं, बहुत किस्मत ही देखिए हमें एग्जैक्ट 20 ओवर तक गेंदबाजी कराई इस कीपर ने, किसी तरह 48 पे हमने इनको आउट किया है, 19.5 ओवर, एक गेंद और डालनी थी उसके बाद ऑटो प्ले आ ही रहा था, 27 बनाए यहाँ पर पूरन ने, 21 बनाए यहाँ पर चंद्रपाल हेमराज ने, बहुत धीरे बैटिंग की अभी तक की हमारी सबसे धीरे बैटिंग देखने को मिली 20 ओवर में, विकेट मिला कॉल को, बैट्समैन चेंज करना रह गया, डेविड वार्नर तो आ रहे हैं लेकिन उनके साथ गोस्वामी आ रहे हैं, उनकी रैंकिंग काफी कम, सीमा पॉल गेंदबाजी करेंगे, बड़ा नाम है, एक विकेट निकाला था यहाँ पर अगली गेंद खेलते हुए, और कंट्रोलर का क्या बोलूं मैं, ये रन भी ले रहा है, अरे क्यों ले रहा है रन भाई, क्यों ले रहा है रन, अबे बदकिस्मती देखिए यहाँ पर थर्ड एम्पायर के पास जाना पड़ा है, कंट्रोलर ने अपने आप ही भाई रन लेना शुरू कर दिया, देखिए आउट दे दिया, रिप्ले दिखाई बिना ही, और ये क्या DRS क्यों ले रहा है रनआउट में, ये हो क्या रहा है, विकेट दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे आउट, अरे भाई आउट था भी कि नहीं ये भी नहीं पता, अरे भाई हवा में पैर, हवा में पैर, अरे अंदर तो लग रहा है कि है थोड़ा बहुत, एक ही दिन में हमारी हालत ये हो गई, कंट्रोलर का प्रॉब्लम आज के दिन, कल तक तो था ही नहीं, कल के पूरे मैच में नहीं था, परसों के पूरे मैच में नहीं था, आज के मैच में दो या तीन चार बार आया, चलो चार बार आया, उसमें दो बार विकेट के मौके पे आया, फॉलो ऑन हुए हैं यहाँ पे, आना ही पड़ेगा बैटिंग में, और कोई रास्ता नहीं, अब 100-200 मारे तब जाके कुछ जीत सकते हैं ये मैच, की वो बॉल गेंदबाजी में अगर यहाँ से जीतती है तो अपने आप में चमत्कार होगा, अभी के लिए यहाँ पे शायद वाइट का इशारा हो सकता है, फील्डिंग सेटअप बहुत बढ़िया, और उसका फायदा उठाया कि नुकसान में रहे, बच गए, अब मत खेलना ये शॉट, रिस्की रन भी थोड़ा हो गया है लेकिन पूरा किया है किसी तरह, साइड में फिर भी ये शॉट ठीक है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग की टाइमिंग से खेला था, पिस फील्डिंग, रन था यहाँ पे, लेकिन डरे हुए हैं हम लोग इस समय बल्लेबाजी में, बढ़िया शॉट, गुड टाइमिंग है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते इस पिच का, जी हाँ फिर भी बाउंड्री लगी है, पर डेविड वार्नर इस समय स्ट्राइक पे, दो रन का कॉल, क्या हो रहा है, रन चुराए यहां पर एक, कंट्रोलर अभी भी थोड़ा बहुत धोखा दे रहा है, दो रन चुराने की प्लान तो है, और ऑलमोस्ट नहीं हो गए, दो रन आसानी से, शदाब खान ने यहां पर कैप्टन ने अपना दिमाग लगाया, स्पिनर को बुलाया,
डेविड वार्नर को ललचाने की कोशिश हो रही है सदाब के द्वारा। किस्मत देखिए फिर से एक बार यहाँ पर दोनों लेफ्टी हैं, यहाँ पर फिर से बाउंड्री जाएगी कि नहीं कह नहीं सकते। रन क्यों रुक गया मैं, यहाँ पर चार की कोशिश करना बेकार ही नहीं था, शायद हो जाते रन। दोनों बैट्समैन अच्छा तो खेल रहे हैं, बड़ा खेलना होगा इनिंग। 19 की लीड और अरे अरे ये कीपर ने कैसे पकड़ ली गेंद यार, जीतने का हमारी गलतियों की बदौलत यहाँ पर 19 रन से गवाना अमेजॉन वॉरियर्स जीता है। उम्मीद थी थोड़ा लंबा होगा मैच, पर यहाँ पर हारे हम लोग एक बार फिर। हैदराबाद भी यहाँ पर हार, दूसरी हार यहाँ पर। निकोलस पूरन मैन ऑफ द मैच बने, स्कोर कार्ड आपके सामने। दो पिछले दो मैच निराशाजनक रहे हैं हमारे, आज का मैच खास करके इसलिए क्योंकि एक तो पहली बार हम आउट कर सकते थे, कंट्रोलर ने धोखा दिया। दूसरी बार हम बच सकते थे, वहां पर फिर कंट्रोलर ने धोखा। तीसरी बार पता नहीं कैसे फ्लिक शॉट में कीपर ने गेंद पकड़ ली, पर आउट हुए रन आउट और 19 रन और एक इनिंग से हारे ये मैच। सनराइजर्स हैदराबाद की हालत बहुत ही खराब, इस समय नंबर 13 पे है। उनसे भी खराब हालत इंग्लैंड की है, मुंबई इंडियंस की भी हालत उनसे भी खराब है, एसेक्स की हालत भी उनसे खराब है। और टॉप फोर की टीमों को अगर हम देखें तो मेलबर्न स्टार, ट्राइडेंट्स, अमेजॉन वॉरियर्स आ चुकी है। यहाँ पे दो सीपीएल की टीमें, एक इंडियन प्रीमियर और एक बीबीएल की टीम है। यहाँ पे देखें अगर ऑरेंज कैप या फिर जो गोल्डन कैप जो भी आप कहते हो, रनों के मामले में मार्कस स्टोनिस, बेन डंक, एविन लुइस, एमएस सज्जाद और केएल राहुल टॉप फाइव में है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, जेसन होल्डन, नाथन कुल्टर नायर, टॉम फेल और मोहम्मद हसनैन टॉप फाइव में बने हुए हैं। हम लोग लेंगे आपसे विदा, जाने से पहले हम कल का मैच बता दें। पेशावर जालमी क्वेटा ग्लेडिएटर्स, यहाँ पर दोनों पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। अब एक बात अच्छी है कि दोनों में से कम एक के पास तो मौका रहेगा टॉप फोर टॉप फाइव में आने का, यानी टॉप फोर के नजदीक पहुंचने का या टॉप फोर में आने का। पर कौन जीतता है इन दोनों में से वो पता लगेगा कल के दिन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशावर 7वें 9वें पे है, क्वेटा 7वें पे है। तो देखते हैं कुछ घंटों के बाद हम जब इसको अपलोड करेंगे गेम प्ले तब पता लगेगा। अभी के लिए ले रहा हूं आप लोगों से विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।